हे गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब, उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। तो गाइस इस वीडियो में मैं आपको विज़िट करवाऊंगी डेरा सिटी सेंटर, और बहुत प्यारा सा मॉल बना हुआ है। तो हमने सोचा आज बोर हो रहे थे घर में तो यहाँ पर घूमने फिरने चलते हैं। तो ये इसका फ्रंट व्यू है, आप लोग देखें माशाल्लाह कितना प्यारा बना हुआ है। और ये है जी इसकी एंट्रेंस, ये मेन एंट्रेंस है डेरा सिटी सेंटर की। तो जी मॉल के अंदर एंटर हो गए हैं, और मॉल के अंदर एंटर होते हैं साथ ही मुझे बिल्कुल सामने दिख गई मेरी फेवरेट शॉप मोमोसो। दो ही फेवरेट शॉप्स हैं मेरी, मोमोसो और मिनीसो। और यार इसमें इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें थी, इतनी प्यारी चीज़ें थी, इतनी क्यूट चीज़ें थी कि मुझसे बाहर से देख के रहा नहीं गया कि मैं इसमें जाए बगैर रहूँ। तो मैं डायरेक्ट इसमें घुस गई और लुक एट दिस यार, इतने प्यारे प्लशीज थे यहाँ, बहुत प्यारे। और उसके बाद ये स्किन केयर का सेक्शन, इतनी वैरायटी है इनकी स्किन केयर की, इतनी वैरायटी। मैंने इनकी कोई स्किन केयर ऐसा ट्राई नहीं की अभी तक, पर इंशाल्लाह मैं ज़रूर करूँगी और आप लोगों के साथ रिव्यूज़ भी शेयर करूँगी, ठीक है। तो ये देखें, ये स्किन केयर वाला सेक्शन था, यहाँ पर जो था ये स्टेशनरी सेक्शन था। बहुत प्यारी प्यारी सी स्टेशनरी पड़ी हुई थी यहाँ पर। और ये देखें मैं, हेलो गाइस, अच्छा जी। तो नेक्स्ट यहाँ पर ये लुकिंग मिरर्स वाला रैक था, बहुत क्यूट क्यूट से हर साइज़ का लुकिंग मिरर था यहाँ पर। और ये यहाँ पर जो रैक है और जो एरिया है इसके अंदर गिफ्ट्स वगैरह थे। और इधर जो है ना यार, ये क्रिसमस के लिए इन्होंने स्टिकर्स और डेकोर आइटम्स रखी हुई थी, क्योंकि क्रिसमस अभी रिसेंटली गुजरा है तो वो। और ये देखो जी इतने क्यूट पेंस हैं, ये इतने क्यूट पेंस थे सारे, ये पांडा वाले तो बहुत ही क्यूट थे, और इसके अलावा भी इतने क्यूट क्यूट से पेंस पड़े हुए थे। ये वाटर बॉटल्स वाला रैक था, और ये टम्बलर्स थे इधर, हॉट एंड कूल कप्स भी थे। मतलब क्वालिटी बहुत अच्छी है इन सब चीज़ों की, बहुत ब्यूटीफुल चीज़ें थी। और जी इस वाले रैक में इधर राइट साइड पे सारे वो क्रॉकरी थी, कुछ लंच बॉक्सेस थे, और ये लेफ्ट साइड था मग्स वाला रैक था। मग्स भी मुझे बहुत क्यूट लगते हैं। और गाइस ये चेक करें, इतना क्यूट मग था ये पांडा मग, मतलब बहुत बहुत ब्यूटीफुल मग था। और ये सामने आ गया जी फिर रैक प्लशेस का, यार इतने ब्यूटीफुल प्लशेस मैंने पहले तो देखी ही नहीं है ना कभी। मतलब पाकिस्तान वाले जो मिनीसो है उसमें ऐसे होती हैं पर थोड़ी बहुत, इतना ये जो मोमोसो पाकिस्तान में आया था बट आई थिंक अब नहीं है वहाँ पर। यहाँ मुझे फिर से पांडा दिख गया था, बहुत क्यूट प्लशीज़ हैं यहाँ पर। और ये मैं अपनी छोटी सिस्टर के लिए स्टैम्प्स देख रही थी, उसकी बहुत फेवरेट है, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट ये मेरी भी बहुत फेवरेट है। उसके बाद जी हम बहुत ज़्यादा थक गए थे, और ऊपर मॉल में हम फर्स्ट फ्लोर पे आ गए, देन वहाँ पे डंकिन डोनट्स नज़र आया, और वहाँ से डोनट्स नहीं लिए जाएँ ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ से डंकिन डोनट्स से हमने डोनट्स लिए, न्यू फ्लेवर्स ट्राई किए थे मैंने, बहुत मज़े के थे वो भी। और ये फ्रेश कॉफ़ी बीन्स पड़ी थी, और इनके इतना प्यारा अरोमा पूरे कैफ़े में था कि बहुत बहुत अच्छा फील हो रहा था। जो कॉफ़ी लवर्स हैं वो रिलेट करेंगे इस बात से जी। तो ये तीन फ्लेवर्स मैंने लिए थे, लोटस कुकी क्रीम एंड आई थिंक मार्बल ग्लेस था। एंड जी ये है DCC सेंटर, डेरा सिटी सेंटर का वॉक्स सिनेमा। यार अभी ये बाहर से ही मैंने देखा है, क्योंकि हमने मूवी नहीं देखी अभी यहाँ पे, वो भी किसी दिन देखने आएंगे, जो शाहरुख की न्यू मूवी लगी हुई है ना ये देखने के लिए आएंगे। मैं आपको अंदर से भी विज़िट करवा दूँगी इसका। तो अभी ये बाहर बाहर से देखा था, इतनी सारी मूवीज़ लगी हुई हैं यहाँ पर। ये बहुत बड़ा और बहुत ब्यूटीफुल सिनेमा है, ठीक है, वॉक सिनेमा नाम है इसका, डेरा सिटी सेंटर में ये। तो अगर आप लोगों में से कोई जो मुझे देख रहा है उन्होंने कभी इस पर मूवी देखी है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो नेक्स्ट आ गए थे जी हम यहाँ पर एक ये बुक शॉप में, यहाँ पर इतनी वैरायटी थी बुक्स की, इतनी वैरायटी थी, बहुत ज़्यादा। ये हैरी पॉटर की सारी सीरीज़ लगी हुई थी, एंड मैंने अब एक सोची है बात कि मैं भी जो बुक रीडिंग है ना वो स्टार्ट कर दूँ। तो कौन कौन सी बुक्स मैं लूँगी वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। और अच्छा जी, तो नेक्स्ट अब हम मॉल की दूसरी साइड पर जा रहे हैं, और यहाँ पर ये देखें, आई थिंक ये फिलिपिनीज थे, इन्होंने पिक्चर का साइड मुझे दिया था वीडियो में, बट मैंने इनको अब देखा है वीडियो एडिट करते टाइम पे इन्होंने ये किया था, बिकॉज़ मेरा ध्यान ऑब्वियसली कहीं और होगा। और इधर हम R&B एक शॉप है, क्लोथिंग स्टोर है, यहाँ पर आ गए हैं बिकॉज़ मैं कपड़े ढूंढ रही थी न्यू ईयर के लिए। सो
सही है, न्यू ईयर के लिए जो कपड़े हैं मुझे वो लेने थे और पूरा मॉल ऑलमोस्ट घूम लिया था मैंने, लेकिन मुझे कुछ भी अभी तक स्टिल पसंद नहीं आया। और फिर हम वहाँ से भी बाहर आ गए क्योंकि मुझे यहाँ भी कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। और अच्छा जी, तो घूमते फिरते मुझे वो सामने सेफोरा नज़र आ गया, तो सेफोरा में भी लाजमी जाना बनता है कुछ लेना है या नहीं लेना, लेकिन सेफोरा का राउंड तो लगाना बहुत मस्ट है। ठीक है, यहाँ पे मैंने काफ़ी कुछ देखा और उसके बाद मतलब हर टाइप की चीज़ होती है यहाँ पर, ये तो आप लोगों को पता है, मेकअप से रिलेटेड, स्किन केयर से रिलेटेड, परफ्यूम्स, लाइक एवरीथिंग सेफोरा के अंदर सब कुछ होता है। सही है, उसके बाद हम यहाँ से बाहर आने के बाद डाइसो नज़र आ गया मुझे, तो मुझे इधर तो मतलब बहुत, मैं कोरियन व्लॉग्स में देखती थी सारा कुछ ये, और अब जब डाइसो नज़र आया तो उसमें जाए बगैर कैसे रहा जा सकता है। तो ये जी डाइसो का जो फ्रंट था, उन्होंने इतना क्यूट क्रिसमस का डेकोर किया हुआ था, यहाँ पर सेंटा क्लॉसेस वगैरह थे, और उसके बाद बिल्कुल एंटर होते साथ यहाँ मुझे शीट मास्क, हैंड मास्क, फुट मास्क, कंप्रेस्ड मास्क का जो है वो रैक नज़र आ गया था, ब्रशेज थे, मेकअप ब्रशेज थे, लाइक इतनी वैरायटी थी इनके डाइसो पर बहुत ज़्यादा। और इन्होंने इतना ज़्यादा सारा जो था ये पूरा ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा डाइसो के एंट्रेंस पे इन्होंने क्रिसमस का डेकोर जो था, इनके क्रिसमस ट्रीज थे, सेंटा क्लॉसेस थे, वो सब कुछ इन्होंने डेकोर किया हुआ था। नेक्स्ट हम रैक में आ गए थे, यहाँ पर ये जो ऑर्गेनाइजर्स थे, बास्केट्स थी, बहुत क्यूट बास्केट्स थी, लाइक बहुत क्यूट। ये जो ऑर्गेनाइजर्स हैं ये देखें, ये इतने प्यारे थे, इतने डिफरेंट कलर्स थे इनमें, और इनकी क्वालिटी 10/10, लाइक बहुत अच्छी क्वालिटी थी इन सब की। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने दुबई की जो जितनी फेमस मॉन्यूमेंट्स हैं उसके इन्होंने मॉडल्स रखे हुए थे, जिनमें बुर्ज खलीफा, बुर्ज अल अरब, और भी पता नहीं क्या क्या था, मुझे तो सबके अभी तक नाम नहीं आते। तो बहुत क्यूट चीज़ें थी, कैमल्स रखे हुए थे, इतने प्यारे थे, ये आगे आएंगे, ये आप लोग देखें, बहुत बहुत क्यूट चीज़ें थी ये। अच्छा तो गाइस, नेक्स्ट अब हम लोग स्प्लैश में आ गए थे, सेंटर पॉइंट के अंदर ये स्प्लैश है, और वहाँ पर भी आके पूरा स्प्लैश घूम लिया था, पूरा स्प्लैश घूम घूम के थक गए थे। एट द एंड मुझे बस एक शर्ट पसंद आई थी, वो मैं जब न्यू ईयर पे पहनूंगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो ये गाइस स्प्लैश के अंदर ही ये मग्स वाला सेक्शन था, स्किन केयर का सेक्शन था, परफ्यूम्स भी थे, शूज़ भी थे, एवरीथिंग इसके अंदर सब कुछ था। और यहाँ पर भी जहाँ मुझे क्यूट क्यूट मग्स नज़र आ जाते हैं तो वहाँ पर तो ज़रूर मैं मौजूद होंगी। और ये आप चेक करें यार, ये आई मास्क थे, ठीक है, ये पांडा बना हुआ और कैट्स बनी हुई, और ये जो थे ना रैबिट और पांडा बना, ये लैम्प्स थे। उसके बाद स्प्लैश से भी हम लोग फ्री हो गए, देन हम फूड कोर्ट में आ गए थे, ये मेरा रेस्टोरेंट गुजरा है, पांडा चाइनीज़। तो जी, उसके बाद यहाँ पर हमने देखा, पर इधर इतनी ज़्यादा रश था ना कि वो डिसाइडेड कि हम लोग जो है ना घर पे जाके तो हम ऑर्डर कर लेंगे अपना फूड और घर में बैठ के सुकून से खा लेंगे, बहुत रश था उधर, तो हमने नहीं खाया वहाँ पर। और ये देखें आप लोग, मॉल चेक करें यार, इट्स रियली ब्यूटीफुल, बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत मॉल था और हर चीज़ बहुत अच्छी थी। पूरा जो मॉल है डेरा सिटी सेंटर वो हम नहीं घूम सके क्योंकि बहुत थक गए थे, फिर किसी और दिन जाएंगे तो जो मॉल की दूसरी साइड्स, दूसरी शॉप्स हैं उनका भी मैं आपको ज़रूर विज़िट करवाऊँगी। अच्छा गाइस, तो फाइनली हम लोग अब मॉल से बाहर आ गए थे क्योंकि टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया था और हम थक गए थे बहुत, तो घर वापसी के लिए हम लोग बाहर आ गए थे। और इधर टैक्सी का जो है हम वेट कर रहे थे, बहुत रश था यहाँ पे भी, आई थिंक न्यू ईयर की वजह से कि क्या है, दुबई में आजकल हर जगह पे बहुत रश होता है। ठीक है,
अच्छा जी, तो फाइनली यहाँ पर जो थी वो सारी टैक्सीज ऑलमोस्ट बुक थी, तो हम रोड के दूसरी साइड पे जा रहे हैं रोड क्रॉस करने के लिए। यहाँ पर इतने रूल्स हैं यार, इतने रूल्स हैं कि कोई भी जो है ना वो रूल्स की वायोलेशन नहीं करता, हर बंदा रूल्स फॉलो करता है। अगर आप लोगों ने रोड क्रॉस करनी है और आपने वेट का बटन प्रेस कर दिया, तो वहाँ पे जो पेडेस्ट्रियंस हैं उनके लिए फौरन जितनी गाड़ियाँ हैं वो रुक जाती हैं और रोड क्रॉस करने देते हैं। बिल्कुल पाकिस्तान की तरह सिस्टम नहीं है यहाँ पर, बहुत रूल्स फॉलो किए जाते हैं। तो फाइनली हमें जो है वो टैक्सी मिल गई थी और हम घर की तरफ रवाना हो गए। तो जी, घर आते साथ भाई ने ऑर्डर कर दिया था KFC और हमने खाना खा लिया था शुक्र अल्लाह का। और गाइज, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।